वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्पिता, तुम लोग देख रहे हो मैं और अर्पिता लव वाटर कलर। आज जो मैं पेंटिंग लेकर आई हूँ उसका नाम है वाटर ट्रांसफर पेंटिंग और उसको हाइड्रोटिकिंग पेंटिंग भी कहते हैं। सो मैं डिटेल में सारे कुछ दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा अच्छा अच्छा पेंटिंग लाता रहता हूँ। ये जो आप प्यारा सा फ्लावर देख रहे हैं, इसको अगर हम एक प्यारा सा प्लांटर में डाल दें तो उसका खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मेरा ये प्यारा सा प्लांट्स एक प्यारा सा प्लांटर में रहे। मैं वही करने वाली हूँ, मैं प्लांटर रेडी करूँगी अपना प्यारा सा प्लांट के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो मेरा गार्डन है ये मैंने ही सजाया है और मेरा पेड़ पौधे का बहुत ज़्यादा शौक रहा है, इसमें भी किया है। देखिए आज हम यही टब को प्रिंट करने वाले हैं। स्लोटेप लगा दिया है, जहाँ जहाँ पर मुझे पेंट नहीं चाहिए वहाँ वहाँ पर मैंने स्लोटेप लगा दिया है ताकि वहाँ पर पेंट पहुँच ना सके। सो बहुत सारा वीडियो आने वाला है तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये पेंटिंग करने के लिए मुझे रेडी किया हुआ टब चाहिए और कुछ न्यूज़पेपर चाहिए, और ये कुछ पेंट है मेरा जो मैं डिब्बा से निकाल के बॉटल में रखे है। कुछ पेपर मैंने कट करके रखे है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको प्रिंट करने के लिए काम आता है और बहुत खूबसूरत भी बनता है। ये वुडन स्टिक है जो आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाएगा। जरूर से ज़रूर केरोसिन ऑयल चाहिए जो कलर को रिमूव करने का काम आएगा, और वाटर के बिना तो ये पेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इसका नाम है वाटर ट्रांसफर पेंटिंग। जो प्लांटर में करने वाली थी उसका वीडियो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, सेम डिज़ाइन दूसरे प्लांटर में किया और आप लोगों को दिखा दिया। मैंने सिर्फ वहाँ वहाँ पर ही स्लोटेप लगाया जहाँ पर मुझे पेंट नहीं चाहिए। इस प्लांटर में जो मैं पेंट करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आप लोग मेरा शॉर्ट्स देख सकते हो, शॉर्ट्स में मैंने बहुत सारा ऐसे पेंटिंग देख कर रखे, तो जल्दी से जाओ और मेरा शॉर्ट्स देखो, वहाँ पर आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगा। स्लोटेप कट करने के लिए यही कटर चाहिए, देखिए ये कटर आपको कोई भी आर्टिस्टिक दुकान में मिल जाएगा। पूरे साइड में मैंने स्लोटेप लगा दिया है, अभी थोड़ा सा ही प्रोसेस बाकी है। प्लांटर के इनसाइड में भी थोड़ा सा मुझे स्लोटेप देना होगा, क्योंकि अगर कलर थोड़ा सा भीतर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं वो रिमूव कर दूंगी। सेलोटेप लगाने का प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब थोड़ा सा ही बाकी है, वो आपको मैं दिखा दूंगी। इस डिज़ाइन को करने के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा तो ही ये डिज़ाइन आएगा। आज इस प्लांटर को मैं पेंट नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ डिज़ाइन दिखाने के लिए ये प्लांटर मैंने यूज़ किया है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बोलना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा अच्छा अच्छा पेंटिंग लाता रहते हो। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आज इसी प्लांटर को हम पेंट करने वाले हैं, और आप लोग देख के ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पर भी सेम डिज़ाइन है, सिर्फ कलर का डिफरेंस ही है। देखिए जहाँ जहाँ पर मैं नहीं चाहती कि कलर पहुँचे वहाँ वहाँ पर मैं सेलोटेप लगा दिया है, और ऐसे ही एक डिज़ाइन बन जाएगा खूबसूरत सा। अब हम कलर ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं वाइट कलर का एनामेल पेंट यूज़ किया है, और वैसे ही अच्छे से उसको पहले मिक्स करना पड़ेगा, फिर पानी में कलर को ऐड करना पड़ेगा और उसको एक स्टिक से हिलाना पड़ेगा, मतलब मूव करना पड़ेगा। देखिए एक डिज़ाइन बन रहा है ना, अब जो आप ऑब्जेक्ट आपके पास है उसको ऐसे ही पानी में डिप करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें एक डिज़ाइन बन के आ जाएगा। इस पेंटिंग में सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसमें कोई भी पेंट आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, हर एक पेंट आपको अलग अलग दिखेगा, अलग अलग मिलेगा, कोई भी डिज़ाइन आपको सेम नहीं मिलेगा। देखिए एक दिन बाद जब ये सूख चुका है तब मैं सेलोटेप को उठा रही हूँ, मतलब रिमूव कर रही हूँ, तो देखो इसका अच्छे से एक डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर इस पेंट को आप धूप से सुखाए तो ज़्यादा बेटर है। सारे सेलोटेप को मैं धीरे धीरे करके
उठा लूंगी। सारे सेलो टेप उठाने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करना कि आप लोग को ये प्लांटर कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और प्लीज़ एक लाइक भी कर देना यार। और भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट आ रहा है और भी बहुत सारा पेंट आ रहा है, तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल अगर नहीं किया तो आप मिस कर जाओगे। और भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट मैं करने वाली हूँ बहुत से ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे बाउल, बॉटल, क्लॉथ्स, ग्लास, एवरीथिंग। आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस पेंटिंग को यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय, गुड लक, अच्छे रहिए, बहुत अच्छे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।